नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज का वीडियो डायरेक्टली लॉ से रिलेटेड नहीं है, बट ये जिंदगी से रिलेटेड है। जिंदगी से रिलेटेड मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर आपके पास ये क्वालिटी हो तो आपको आपके जीवन में अगर डाइवोर्स लेना पड़े किसी कारण से तो आपको दिक्कत कम होगी। कुछ समय पहले अपने एक फ्रेंड के चैम्बर में मैं एक महिला से मिला। शी वॉज अ मुस्लिम, शी हैज़ 4 चिल्ड्रन और उसके पति ने उसको छोड़ दिया। अब उस औरत के ऊपर ये जिम्मेदारी आ गई कि उसको 4 बच्चे पालने, पति ने छोड़ दिया। और मैं एक दूसरी महिला से मिला जो कि एक टीचर थी एंड शी वांटेड अ डाइवोर्स, जबकि जो पहली महिला थी शी वांटेड टू लिव विद द हस्बैंड। व्हाई? नॉट बिकॉज हर हस्बैंड वाज वेरी लविंग और व्हाट समथिंग लाइक दैट, बट बिकॉज शी हैज टू यू नो टेक केयर ऑफ 4 चिल्ड्रन, इसीलिए वो अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती थी जबकि हस्बैंड उसके साथ नहीं रहना चाहता था। तो जब एक शादी में एक व्यक्ति ना रहना चाहे तो आप ज़बरदस्ती उसको उसके साथ ना रहें, इनफैक्ट अगर आप उससे अलग हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए भी और उस व्यक्ति के लिए भी जो आपके साथ नहीं रहना चाहता। तो दोस्तों मैंने जो आपको दूसरी महिला का एग्जाम्पल दिया, वो तलाक लेना चाहती थी। क्यों लेना चाहती थी? इन दोनों महिलाओं के केस में क्या डिफरेंस है? तो दोस्तों डिफरेंस ये है कि जो महिला टीचर थी उसके बच्चे हालांकि कम थे, शी हैज ओनली 1 डॉटर, शी हैज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, शी हैज हर जॉब, वेयर एज द अदर लेडी इज डिपेंडेंट on the husband for living। उसको जिंदा रहने के लिए खुद को और अपने बच्चों को अपने हस्बैंड के ऊपर वो निर्भर है, शी इज डिपेंडेंट ऑन हर हस्बैंड। तो किसी भी खासतौर से महिलाओं के लिए, अगर कोई महिला फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है और उसकी शादी में प्रॉब्लम आ जाती है तो उस महिला का जीवन जो है बहुत ही दुखद होने वाला है, अगर उसके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है तो, क्योंकि शी बिकम स्लेव ऑफ हर हस्बैंड, हस्बैंड के ऊपर वो पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाती है। दोस्तों मैं समझाने के लिए कुछ बातें कह रहा हूँ, आई डोंट मीन टू हर्ट एनीबडी। एक छोटा बच्चा होता है वो अपने हर ज़रूरत के लिए अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होता है, खाने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, खिलौनों के लिए, सब चीज़ के लिए अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होता है। अगर उसके पेरेंट्स उसकी पिटाई भी कर देते हैं तो भी वो बच्चा अपने पेरेंट्स के पास ही रहना चाहता है, क्योंकि उसको वहाँ जो उसकी ज़रूरतें हैं वो वहीं से पूरी होती हैं। अनलेस दैट चाइल्ड बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट समडे लेटर इन हिज लाइफ। इसी तरह से सेम रिलेशन एक वुमेन का होता है अपने हस्बैंड से, इन केस शी इज नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, उसके पास अपना कुछ पैसा नहीं है या वो अपने हस्बैंड के ऊपर अपने खर्चों के लिए पूरी तरह डिपेंड है तो she has to follow, obey even the wrong decisions of the husband। उसको अपने पति के गलत फैसलों को भी support करना पड़ता है because she is dependent on him। No doubt कि एक शादी जो होती है उसमें एक औरत के लिए it is and also a situation of emotional breakdown,
लेकिन अगर आपके पास कोई जॉब है या आप कुछ कोई आपके अंदर हुनर है या आपके अंदर कोई स्किल है जिससे आप पैसा कमा सकते हैं, तो आपकी आफ्टर डाइवोर्स लाइफ काफ़ी बेहतर हो सकती है, या ये कहें कि आप अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर सकती हैं, देन कि आप अपने हस्बैंड पे पूरी तरह डिपेंड हो। अब आप अपने हस्बैंड पे पूरी तरह डिपेंड हैं और आपके पास मान लीजिए कि आपका हस्बैंड आपसे कुछ गलत काम करने के लिए बोलता है, एंड यू हैव टू फॉलो इट, अदरवाइज ही विल नॉट गिव यू फूड, फिर डिपेंडेंट ऑन हिम, आप क्या करेंगे? फिर आप मेंटेनेंस का मुकदमा डालेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, डोमेस्टिक वायलेंस डालेंगे, है ना। लेकिन इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होगा, अल्टीमेटली इट वुड क्रिएट फ्रिक्शन बिटवीन यू टू, एंड यू टू आइदर वुड सेपरेट एंड और यू वुड कॉन्स्टेंटली फाइट। इससे अच्छा ये है कि आप अभी आज से ही ये प्रयास करें कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएं, आप अपने खर्चे के लिए अपने हस्बैंड पर डिपेंड ना रहें, और जब आप अपने खर्चे के लिए अपने हस्बैंड पर डिपेंड नहीं रहेंगी, तो एक दिन वो सिचुएशन आएगी कि आपका हस्बैंड अगर आपको कुछ गलत काम करने के लिए बोलता है या ऐसा काम करने के लिए बोलता है जो आप नहीं करना चाहती, तो आप उससे सेपरेट हो सकती हैं, राइट। तो दोस्तों, किसी भी महिला के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सबसे ज़रूरी है, वेदर शी इज़ मैरिड और वेदर शी इज़ नॉट मैरिड। मैंने जितने डाइवोर्स के केसेस देखे हैं, उनमें जो लड़कियां फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती हैं, दे आर इन बेटर पोजीशन इन लाइफ आफ्टर डाइवोर्स देन दोज वुमेन हु आर टोटली डिपेंडेंट ऑन हस्बैंड फॉर देयर एक्सपेंसेस। इवन तक कि जो लड़की फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती, उसके जो रिलेटिव्स होते हैं, जो उसके पेरेंटल फैमिली होती है, यानी उसके जो ब्रदर वगैरह होते हैं, तो जब वो लड़की डाइवोर्स के बाद अपने घर जाना चाहती है, यानी डाइवोर्स के बाद वो अपने मायके जाती है, तो वहाँ पे भी उसको शी बिकम्स अ बर्डन ऑन दैट फैमिली, उसको एक बर्डन ही समझा जाता है, राइट। तो उसका जीवन इस तरह से हो जाता है, ना तो वो अपने मायके की रही, ना वो ससुराल की रही। तो दोस्तों, ऐसा जीवन जीने से अच्छा है कि आप किसी के ऊपर बोझ बन जाएं, उससे अच्छा है कि आप आज से ही कुछ ऐसा प्रयास करें कि आप यू कैन बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। यू शुड टेक स्टेप्स सो दैट यू कैन बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, एंड नोबडी कैन डिक्टेट यू हिज टर्म्स इन हिज लाइफ। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर वीडियो को लाइक करके मेरी हौसला अफजाई करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।